हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपूर्वा, एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बार के न्यू मून के बारे में। फेब का न्यू मून आ चुका है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप क्या क्या रिचुअल्स कर सकते हो, किस किस चीज़ से रिलेटेड आप रिचुअल्स कर सकते हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली एनर्जीज करेंटली क्या हैं। ठीक है, सो न्यू मून पड़ रहा है एक्वेरियस में, एंड एक्वेरियस जो रूल करता है दैट इज़ बाय सैटर्न। एंड अगर हम एक्वेरियस की बात करें साइन की, इट्स एन एयर साइन बाय द वे। ठीक है, सो जो एयर साइन है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड, हमारे थॉट्स। ठीक है, एंड जो सैटर्न है इट गिव्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीरियसनेस, मेच्योरनेस, थिंकिंग डीप, ठीक है, एंड थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, सो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अमेजिंग है इस बार का। एंड ये जो न्यू मून पड़ रहा है ये 9th of Feb को पड़ रहा है, बट इसकी जो एनर्जीज हैं वो 2 दिन पहले से स्टार्ट हो जाएंगी एंड 2 दिन बाद तक भी इसकी एनर्जीज रहेंगी। सो ये जो न्यू मून है बेसिकली इस टाइम पे काफ़ी लोग थोड़ा सा सीरियसनेस उनको आ सकती है। हो सकता है काफ़ी लोग अपने करियर के बारे में सोचें, अपने गोल्स के बारे में सोचें कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल और समथिंग। एंड हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप से यू नो दे स्टार्ट गेटिंग आइडियाज़ कि अभी क्या करना चाहिए करियर में। सो दैट बेसिकली ये जो एनर्जी करंटली है ये थॉट भी रिप्रेजेंट करती है। सो बहुत सारे आइडियाज़ की चैनलिंग आपको हो सकती है, या फिर आप लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचें लाइफ में क्या करना है, कैसे होगा, तो उस टाइप की चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं इस टाइम पे। एंड कभी कभी हो सकता है कुछ लोग आप में से ओवर थिंक भी करें, तो उस चीज़ से आपने बचना है। बट बेसिकली जो जनरली एनर्जी यहाँ पे इस टाइम बन रही है ये ज़्यादा मोर फोकस्ड ऑन यू नो लॉन्ग टर्म गोल्स और प्लानिंग थिंग्स फॉर अ लॉन्ग रन, उस तरीके से जो एनर्जीज हैं यहाँ पे अभी बन रही हैं। एंड अगर हम बात करें आप किस किस चीज़ से रिलेटेड रिचुअल्स को कर सकते हो, सबसे पहला है करियर स्पेल्स आप इस टाइम पे कर सकते हो, करियर रिचुअल्स आप लोग इस टाइम पे कर सकते हो, बिकॉज जो सैटर्न है वो करियर भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जॉब मैनिफेस्टेशन, अगर आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो किसी एक कह सकते हैं किसी अच्छी कंपनी में, या फिर जो भी आपके अंदर डिज़ायर है, डीप डाउन डिज़ायर जो आपकी है अबाउट करियर, ठीक है, तो आप इस टाइम पे उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस जॉब को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपका काइंड ऑफ यू नो एक लॉन्ग टर्म एक तरीके से कह सकते हैं एक विजन है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट विश फॉर यू। ठीक है, सो एक उस तरीके से आप इस टाइम पे इस चीज़ को कर सकते हैं। एंड अगर आप 1% फ्राइडे को रिचुअल्स नहीं करते हो, 9th को रिचुअल्स नहीं करते हो, आप 10th को भी इसके रिचुअल कर सकते हो। इसके पीछे सबसे पहला रीज़न तो ये है कि 10th को हो रहा है गुप्त नवरात्रि, उसकी एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी है। ठीक है, ऊपर से सैटर्न है, शनिवार है उस दिन में, तो अगर आप चाहें इस रिचुअल को आप 10th को भी कर सकते हैं मैनिफेस्टिंग योर करियर और गोल्स, बिकॉज उस टाइम पे एनर्जीज जो होंगी वो और भी एम्प्लीफाइड होंगी बिकॉज ऑफ गुप्त नवरात्रि। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप फ्राइडे के दिन तो कर ही सकते हो। सिंस इस दिन फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन आप ब्यूटी स्पेल्स कर सकते हो, ब्यूटी रिचुअल्स कर सकते हो, ब्यूटी से रिलेटेड आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। फॉर हेयर हो गया, आप लॉन्ग हेयर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्लियर स्किन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ग्लो आप यू नो और चाहते हो कि इंक्रीज हो विद टाइम, टू यू नो इनहैंस समथिंग, टू इंक्रीज समथिंग इन योर लाइफ रिलेटेड टू ब्यूटी। अब ब्यूटी से अलग भी देखा जाए तो आप लव स्पेल्स भी इस टाइम पे कर सकते हो, फ्राइडे के दिन में न्यू मून पड़ रहा है, तो इस दिन भी आप यू नो ये रिचुअल कर सकते हो, लव मैनिफेस्टेशन हो गई, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए आप रिचुअल्स कर सकते हो। रिचुअल्स क्या करना है डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है, रिचुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे ये होता है अंडरस्टैंड करना कि क्या एनर्जीज करंटली बन रही हैं, एंड अगर आप उस टाइप की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही अपना जो गोल है उस पर काम करोगे, उस पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाओगे या फिर स्पेल्स करोगे, तो वो और अच्छे से आपकी लाइफ में ग्रो ही होगा या फिर मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली आप किस टाइप की चीज़ों पे अपनी लाइफ में काम कर सकते हो। ठीक है, करियर इश्यूज हैं या फिर आप कुछ नई बिगनिंग करना चाहते हो करियर से रिलेटेड, कोई लॉन्ग टर्म गोल है, एंड सिंस ये एक एयर एनर्जी है, मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, सिट विद योर सेल्फ एंड अपने दिल से पूछो कि आप एक्चुअली में लाइफ में करियर में चाहते क्या हो। ठीक है, काफ़ी लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि वो चाहते क्या है, बस वो कहते हैं कि अंधेरे में तीर लगाते रहते हैं कि अभी चलो ये स्पेल कर लेता हूँ कुछ तो मिल जाएगा। सो बेसिकली सिट विद योर सेल्फ एंड आस्क कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू वॉन्ट,
दिमाग चलाओ अपना, क्योंकि इस टाइम पे चैनलिंग अच्छी होगी एंड ऐसे ऐसे कमाल के आइडियाज इस टाइम पे आ सकते हैं जो आप खुद भी नहीं सोचोगे. लाइक सरप्राइज आप हो जाओगे कि वाकई में मुझे कुछ ऐसा आइडिया आया है. आप मेडिटेट कर सकते हो, आप अपने स्पिरिट गाइड का मेडिटेशन फॉलो कर सकते हो. बहुत सारे यूट्यूब पे गाइडेड स्पिरिट गाइड गाइडेड मेडिटेशन है, आप उनको फॉलो कर सकते हो. जस्ट सी व्हाट्स कमिंग थ्रू, क्या आ रहा है, क्या चैनलिंग हो रही है. सो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बेसिकली व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू टू गो फॉर एंड क्या आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या आप एक्चुअली में चाहते हो अपनी लाइफ से. ठीक है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें वो चाहिए ही नहीं. काफ़ी लोग कहते हैं कि सपोज़ एक बहुत कोई बड़ी चीज़ है वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है. बट अगर 1% कोई वो चीज़ आपको फ्री में दे देगा तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर रहे होंगे. ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो अंदर से मन होता है वो चीज़ों पे गिव अप इसलिए कर लेता है बिकॉज हमारे इनर जो एक आवाज़ होती है वो बोलती है कि ये तो अपने बस की बात ही नहीं है. ठीक है, ये अपने से नहीं होगा, ये मैनिफेस्ट नहीं होगा. तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहते हैं, उसमें वो खुश रहते हैं. ठीक है, सो जस्ट एक्चुअली मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अंडरस्टैंड द वाइल्डेस्ट थिंग दैट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट. एग्जैक्टली, क्या ऐसा गोल है जो अंदर से आपको लगता है कि भाई ये इम्पॉसिबल है, बट इट्स द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट. इवन इफ राइट नाउ यू थिंक इट्स इम्पॉसिबल, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, जस्ट गिव सम टाइम टू योर सेल्फ एंड इस चीज़ पे आपने इस टाइप की एनर्जी में, इस एनर्जी में आपने काम करना है. ठीक है, अब क्या चीज़ें आप कर सकते हो. कुछ तो बेसिक रिचुअल्स हैं जो हर एक कोई कर सकता है एंड आप इसे हर फुल मून न्यू मून पे कर सकते हो. सबसे पहला बेसिक रिचुअल तो यही है कि आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म गोल्स की. एंड इस टाइम पे लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर एक विजन वाला जो कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन करना ज़्यादा बेटर रहेगा. सपोज आप चाहते हो कि आपके इस साल में, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्यू ईयर वाले रिचुअल्स को मिस कर दिया है, सो इट्स टोटली फाइन. अगर आप पोर्टल वगैरह पे नहीं करते हो मैनिफेस्टेशन तो आप इस टाइम पे ऐसे विश की आप इंटेंशन इस टाइम पे रख सकते हो जो थोड़े लॉन्ग टर्म वाले हैं बट वो आपके इवेंचुअली आपकी लाइफ के लिए बेहतर है. यानी कि लॉन्ग टर्म बट जिनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा आपकी लाइफ पे, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो सैटर्न की एनर्जी है प्लस एक्वेरियस है, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी. एंड सैटर्न जो होता है वो बेसिकली आपको अपने आप से मोटिवेट करेगा एंड आप अपने आप से हार्ड वर्क करोगे अपने गोल के लिए. ठीक है, सिंस सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर है तो लॉन्ग टर्म पे काम करना, लॉन्ग टर्म गोल्स पे इनफैक्ट काम करना इज़ वेरी गुड. लॉन्ग टर्म इसलिए जो अभी आपको लग रहा है कि लाइक अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट आई नो वो कभी तो होगी पॉसिबल, बिलीव मी. जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे चीज़ें अपने आप खुद ही चली जाएंगी. तो आपने ऐसा कोई विश अपना लेना है इस टाइम पे हो सके तो, जो कि आपको अभी लगता है कि पॉसिबल नहीं है बट यहाँ पे आपने उसी गोल के ऊपर काम करना है. सो आई होप, आई एम श्योर कोई ऐसी डीप डाउन डिजायर होगी. सो अपने लॉजिकल माइंड को हटा के जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके, सेकेंड चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, आप उसी से रिलेटेड यू नो अपना एक विजन बोर्ड बना सकते हो. अगर आपका विजन बोर्ड आपने नहीं प्लान किया है न्यू ईयर पे, या फिर अगर आपका ऑलरेडी विजन बोर्ड है तो आप उसमें कुछ और एडिशनल पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हो. आप इस तरीके से भी यहाँ पे काम कर सकते हो. अगर बात करें स्क्रिप्टिंग की, जो स्क्रिप्टिंग जिस दिन आप करेंगे आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, आपने नॉर्मल स्क्रिप्टिंग कर ली कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई, जो भी आपने स्टोरी क्रिएट करनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है, आप उस डिटेल में लिखें कैसे मेरी लाइफ थी एंड कैसे अब चेंज होती चली गई एंड ऐसे मुझे ये चीज़ डिज़ायर मिल गई. हालांकि वो चीज़ अभी नहीं हुई है बट आपने ऐसे उसमें लिखना है जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है. अब आप एक काम कर सकते हैं, आप डेली इसको रीड कर सकते हैं कम से कम 40 to 45 डेज तक. इस बीच में क्या होगा, आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम हो जाएगा. 40 to 45 डेज के बाद आप उसको लेट गो कर सकते हैं एंड जो स्क्रिप्ट या पेपर आपके पास है आप इसे बर्न करके लेट गो कर सकते हैं. ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं. सेकंड चीज आप कर सकते हैं, जो भी आपने स्क्रिप्टिंग करी है उस पर आपने थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, सोचना है उसके बारे में जैसे कि वो चीज हो चुकी है. उसके बाद आपने इस स्क्रिप्ट को सेम डे न्यू मून की रात में ही सेम डे आपने बर्न कर देना है, इसकी एशेस को आपने ब्लो कर देना है. एक आप ये चीज़ कर सकते हो, तो दो चीज़ें आप ये कर सकते हो. अब थर्ड एंड वेरी अमेजिंग चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 369 का एनर्जी व्हील, जो आप इस टाइम पे क्रिएट कर सकते हो. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपने ये सारे के सारे फॉलो करना है, आप इनमें से कोई एक भी फॉलो कर सकते हो. जो भी आपको इंट्यूटिवली आता है कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट वन फॉर मी, आप वो से फॉलो कर सकते हो. ये जो आपका मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ये आपने इस न्यू मून पे क्रिएट करना है. अपने गोल को आपने लिखना है एंड इस एनर्जी सर्कल को आपने
जहाँ आप सोते हैं वहाँ आप इसको लगा सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपका विजन बोर्ड है आप इसे अपने विजन बोर्ड में ऐड कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं. सो बेसिकली ये जो एनर्जी सर्कल है इसमें आपने कोड देखेंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी विश, आपकी इंटेंशन यहाँ पे क्या है. आपने अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है. सो आप इस तरीके से 369 एनर्जी व्हील को ड्रॉ कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एंड लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, सपोज कोई ऐसी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, कोई आपकी विश है अभी करंटली जो पूरी होनी ज़रूरी है, सो डेफिनेटली आप उस पर भी काम कर सकते हो. देयर आर नो रूल्स, ठीक है. एंड देयर आर सो मेनी स्पेल्स, रिचुअल्स, मेथड्स, टेक्निक्स, तो ऐसा नहीं है कि यही बस लिमिटेड है. जो आपको इंट्यूटिवली आता है, समझ आता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मंत्र चैंटिंग के साथ काम कर सकते हैं. मंत्रास आप बोल सकते हैं, स्विच वर्ड्स आप बोल सकते हैं. मैं एक चीज़ बोलूँगी, जब भी आप इस टाइप की मून एनर्जीज को पिक करते हैं उस टाइम पे जो आपकी कह सकते हैं इंटेंशन की एनर्जीज होती हैं वो बहुत एम्पलीफाइड हो जाती हैं. सो वट एवर यू थिंक दिस टाइम वो चीज़ें सच हो जाती हैं. अगर आप किसी को कुछ बहुत यू नो चीज़ें बोलते हो, या फिर किसी के बारे में सोचते हो, या फिर अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, या फिर तुम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो और लोगों से, तो ऑब्वियसली यू गोना ग्रो दैट थिंग इन योर लाइफ, ठीक है. अगर आप प्रॉब्लम्स को गाओगे बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स ग्रोथ ही चली जाएंगी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका थिंकिंग क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हो, ये सब चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं. सो आई होप आपका जो ये न्यू मून है ये मैजिकल जाए, एंड आई जस्ट होप कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आप जो भी जिस पे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो सब चीज़ें पूरी हो जाएं. एंड मुझे एक क्वेश्चन बाय द वे बहुत आता है कि हमारी मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रही हैं. सी देयर कैन बी सो मेनी रीजंस कि वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है हमारे लिमिटिंग बिलीव्स. सो अगर आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, सो ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ. मैंने ऐसी बहुत सारी सेल्फ हीलिंग के ऊपर वीडियोज बनाए हुए हैं, थोड़े से लंबे हैं आई कैन से, बट बिलीव मी उनसे आपको बहुत हेल्प होगी. पेशेंस के साथ बिना स्क्रिप्ट करे ढंग से सुनोगे तो चीज़ें समझ आएंगी. एंड कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्स चाहता है कि पहले हम खुद पे काम करें उसके बाद हम इस चीज़ में जाएं. सो इट डिपेंड्स, ठीक है. तो एक तरीके से देखो, रीज़न देखो क्या चीज़ है ऐसी. डेस्परेशन है, ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं एंड हमें ऐसे तरीके से प्रोग्राम किया गया बचपन से किया गया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, फोकस ऑन योर स्टडीज़, ये करो वो करो, बट किसी ने स्पिरिचुअल साइड हमें दिखाई ही नहीं. सो हम उस तरीके से प्रोग्राम्ड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम्स होती हैं एंड इसमें किसी की गलती नहीं है. हम ये चीज़ें हैं ही ऐसी, ठीक है. सो हम धीरे धीरे एनलाइटेंड होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में. इट्स अ जर्नी, ठीक है. तो इट्स फाइन अगर नहीं हो रही हैं चीज़ें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें काम नहीं करती हैं. जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर सेल्फ टॉक, एंड आप किस तरीके से अपनी इस दुनिया को देखते हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय. थैंक यू सो मच.